नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी क्लब में। और ये है ट्रेंस का टाइम एंड डिस्टेंस का जो सीरीज मैं चला रहा हूँ, पार्ट थ्री वीडियो है। फुल कोर्स में डिस्कस करने वाला हूँ टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल का, टीयर वन, टीयर टू, बहुत ही ज़्यादा फायदे होने वाला है। और बिग पैकेज पैकेज आपको कैसे अवेलेबल होगा आपको पता होगा अगर आपने पार्ट वन पार्ट टू वीडियो देखा होगा। ऐसे में बताता हूँ आपको, ssclubstore.com पे जाना है, हमारे वेबसाइट पे जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो रहता है, आप वहाँ से जा सकते हैं। ssclubstore.com खोलने पर तो ये आपका वेबसाइट खुल जाएगा जिसमें आपको पीडीएफ बहुत सारा अवेलेबल है। देख रहे हैं यहाँ पे फ्री पीडीएफ आपको दिया गया है सीएचएसएल का, जो टीयर वन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद वाला, और सीजीएल के लिए जो क्वेश्चन 2017 में आए थे उसका मैं चैप्टर वाइज पीडीएफ बना रहा हूँ, जो मेंसुरेशन ज्योमेट्री का बन चुका है, परसेंटेज का बन चुका है, ट्रिग्नोमेट्री का बन चुका है, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में आपको यहाँ अवेलेबल है। आप पेटीएम के थ्रू और कहीं भी कोई भी ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप ये पीडीएफ परचेज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। चैप्टर वाइज पैकेज फ्री है, आप यहाँ से वोकैब भी रिवाइज कर सकते हैं, यहाँ पे साइनो एंटो पूरा दिया गया है जिसे आप टेस्ट लेके भी फ्री में रिवाइज कर सकते हैं। सारा का सारा एग्जाम वाइज दिया हुआ आप यहाँ पे देख रहे होंगे। सीजीएल का टीयर टू का पूरा का सेट यहाँ पे साइनो मिलेगा, टीयर टू का पूरा, साइनो का सेट पूरा का, जितना भी एग्जाम में आए थे 2017 का यहाँ से आपको मिल जाएगा। चैप्टर वाइज पैकेट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे चैप्टर लिस्ट बना हुआ है ट्रेंस का, फुल कोर्स क्लिक करने पे यूट्यूब का वीडियो यहाँ पे आपको मिलेगा। उसी तरह ये कंप्लीट हो चुका है, नंबर ऑफ वीडियोस और स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हैं, 19 वीडियो, 12 वीडियो, 3 वीडियो, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है और हम लोग ट्रेंस अभी कर रहे हैं। इसको क्लिक करने पर आप यहाँ तो ये पैकेज आप देख रहे हैं, ये अभी टाइप वाई टाइप अपडेट कर रहा हूँ, जैसे ही पूरा अपडेट हो जाएगा इसका पीडीएफ मैं बना दूंगा। अभी टाइप वन मैंने वीडियो पढ़ा दिया है पार्ट वन में, यहाँ पे आप सॉल्यूशन वीडियो लिंक भी क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे टाइप टू है, यहाँ पे टाइप थ्री है जिसका वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, और इसी तरह टाइप फोर, टाइप फाइव, इस तरह चलता जाएगा जब तक कंप्लीट ना हो जाए। तो हम लोग टाइप थ्री डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन रहने वाला है। हम लोग पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या मैंने बताया था। रिलेटिव स्पीड के बारे में मैंने बताया था, अगर कोई भी दो ट्रेन या दो चीज सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, तो उनका क्या होता है, रिलेटिव स्पीड माइनस होता है। और अगर रिलेटिव स्पीड हमें निकालना है अपोजिट डायरेक्शन में कोई बॉडी अब मूव कर रहा है, तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा क्या होगा, प्लस होगा। मतलब कि इसका स्पीड और इसका स्पीड प्लस हो जाएगा, और हम लोग लेंथ अगर माना जाए तो दोनों का क्या होगा, ऐड होगा। पार्ट वन पार्ट टू आप देख सकते हैं। इसके लिए पार्ट वन में हम लोग क्या देखे थे, पार्ट वन में क्या सॉल्व करना था वो आपको मैं बताता हूँ। पार्ट वन में सिंपल था, एक ट्रेन मूव कर रही है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको पास करती है इतना सेकंड में, तो उसकी स्पीड क्या है, उसका टाइम कितना लगेगा पास करने में, ये चीज निकालना था पार्ट वन वीडियो में। पार्ट टू में क्या था, पार्ट टू में था कि अगर प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म को कितने देरी में ये ट्रेन, मूविंग ट्रेन पास कर लेगी, इस तरह क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं दो मूविंग ऑब्जेक्ट होने वाला है यहाँ पे। पार्ट थ्री में दो मूविंग ऑब्जेक्ट होने वाला है, मतलब कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रेन है, दूसरा हो सकता है कुछ और सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह रहता है। सबसे पहले लिखा हुआ है, अ बॉय रनिंग एट 9 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ट्रेन हुज स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर, इफ द ट्रेन पासिस द बॉय इन 24 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है, ट्रेन की दिशा में दौड़ते हुए लड़के को ट्रेन 24 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा लड़के की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। अब यहाँ पे दो मूविंग ऑब्जेक्ट है तो आपको रिलेटिव स्पीड निकालना जरूरी है, बिना रिलेटिव स्पीड निकाले आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता करना है कि डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। यहाँ लिखा हुआ है टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अगर 73 में से हम लोग क्या करते हैं, 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, 3 और इधर 6, मतलब कि 64 किलोमीटर पर आवर। 64 किलोमीटर पर आवर से आपका ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 72 है तो ये क्या होगा, 63 होगा, मतलब 63 किलोमीटर पर आवर। तो आपको सिर्फ स्पीड यहाँ पे जो भी कहीं पे निकालना होगा, तो हम लोग क्या मानेंगे स्पीड को, 63, क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड हमारा निकला है 63, क्योंकि सेम डायरेक्शन था और सेम डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपका स्पीड तो निकल चुका। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम, टाइम 24 सेकंड दिया हुआ है। और ट्रेन की लंबाई निकालनी है जिसको हम लोग डिस्टेंस मानते हैं, इसको पहले 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मीटर पर सेकंड में आएगा। अब डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। हम लोग 63 स्पीड निकाले जिसको हम लोग मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और टाइम का क्या है, 24 24, तो 9 2 जा कितना होगा, 9 2 जा 18, 9 7 जा 63, 2 से 12 बार में ये हो गया, और 12 25 60, और 60 75 4, 420 मीटर,
420 मीटर हमारा आंसर आने वाला है। हमने किया क्या, सिर्फ रिलेटिव स्पीड निकाला, बाकी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आपको पता होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉय रनिंग एट 12 किलोमीटर पर आवर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ट्रेन हुज स्पीड इज 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट बॉय है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रेन है। अब दोनों की जो डायरेक्शन है अपोजिट है, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड हमारा क्या होने वाला, ऐड होने वाला है, और 12 प्लस 60 क्या होता है, 72। अब हम लोग कहीं भी स्पीड लिखेंगे तो क्या मानेंगे, 72 मानेंगे। अब बोला गया है, इफ द लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज 300 मीटर, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू पास द बॉय। मतलब लड़के को पार करने में कितना समय लगेगा, तो हम लोग डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो हम लोग को टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस दिया गया है 300 मीटर, 300 मीटर, और स्पीड कितना है, 72, जिसको हम लोग मीटर पर सेकंड में करेंगे, 5/18। उसके बाद टाइम हमें निकालना है, टाइम हमेशा सेकंड में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड में हो गया, तो 18 × 72 होता है, और यहाँ से हम लोग इसको कर देंगे तो इसको 4, 7 बार में और 75 और 5 से 15, तो यहाँ से आंसर क्या आने वाला है, 15 सेकंड। तो हमारा सॉल्व करने पे ये 15 सेकंड आ जाएगा इसका टाइम बॉय को पास करने में। यहाँ पे क्या क्या किया मैंने, वो आपको ध्यान रखना है, कि रिलेटिव स्पीड मैंने निकाला, रिलेटिव स्पीड 72 किलोमीटर पर प्रति घंटा आया, इसे हम लोग मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम पे पुट कर देंगे, जिसमें हम लोग को डिस्टेंस दिया गया है, मतलब लंबाई दी गई है ट्रेन की, और स्पीड हमें 72 किलोमीटर पता चला, टाइम निकालना है। सिंपल सी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे पैकेज से। ट्रेन पासेस अ स्कूटर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन इन 40 सेकंड। एक ट्रेन है जो स्कूटर उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चल रही है, 40 सेकंड में पार कर लेता है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 400 मीटर लेंथ है ट्रेन की, व्हाट इज स्पीड ऑफ स्कूटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे आपको समझना है ट्रेन की जो स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और हमें स्कूटर की स्पीड नहीं पता, और वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, सॉरी सेम डायरेक्शन में जा रही है, क्या जा रही है, सेम डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 60 - x। हमेशा ध्यान रखें कि ट्रेन का स्पीड तो ज़्यादा होगा स्कूटर से, 60 - x यहाँ पे हम लोग मान लिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या दिया हुआ है, हमारा टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम 40 सेकंड दिया हुआ है, 40 सेकंड दिया हुआ है, 60 - x जो हम लोग माने हैं वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, जो हम लोग यहाँ पे एक्स माने हैं वो क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर। टी इक्वल टू 40 सेकंड है। अब एक चीज़ और यहाँ पे दिया हुआ है, लेंथ मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, 400 मीटर, 400 मीटर। तो हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का पुट कर देंगे, तो हम लोग यहाँ पे या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड 60 - x जो एक रिलेटिव स्पीड हमने माना था, और डिस्टेंस 400 मीटर और बाय 40, यहाँ पे क्या हो गया, 40। एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक मैंने किया है, क्या, यहाँ 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में है, और यहाँ पे भी क्या है, मीटर पर सेकंड में, ये तो 10 बार में कट गया, और इसके बाद 5 से 2 टाइम्स में ये कट गया। अब 60 - x इक्वल टू क्या होगा, 18 × 36, 36। अब हम लोग एक्स मानेंगे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स का यहाँ पे निकल जाएगा। क्या किया मैंने, रिलेटिव स्पीड निकाला, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 60 - x होगा, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, बाकी आपको डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम, या कोई भी फॉर्मूला पुट कर दे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, आपको आंसर आ जाएगा। तो ये था पार्ट 3 वीडियो, इसी तरह पार्ट 4 वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैंने इंग्लिश का भी स्टार्ट कर दिया है, उसका भी वीडियोस मैं जल्दी डालूंगा। तो ssclubstore.com पे जरूर जाके विजिट करें, फेसबुक पेज पर लाइक कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चीज़ को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।